गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने बहुत ही बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि कस्टम टीम को 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं। उन्होंने छापा मारा है और बोला जा रहा है कि ये आज का सबसे बड़ा छापा है और जिसमें इतने तादाद में ऐसे ड्रग्स मिले हैं। चलिए हम लोग आपको पूरी अपडेट बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने मुंबई से आ रहा है, जहां पर कस्टम टीम ने 2 एजेंट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्चुअली में ये जो पूरा ड्रग्स है वो 1000 करोड़ का बताया जा रहा है, काफी ज्यादा कॉस्टली है। और उस दौरान ही ये जो पूरा ड्रग्स है अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते से मुंबई लाया जा रहा था, और ये आज का सबसे बड़ा छापा है जो कि कस्टम टीम ने अभी बताया है। बोला जा रहा है कि 2 एजेंट जो है वो एक मुंबई से बिलोंग करता है, एक दिल्ली से बिलोंग करता है। इनके बारे में जब पूछा गया, पूछने के बाद पहले स्टार्टिंग में जब वहां पर बोट पे पाइप के अंदर ये ड्रग्स छिपाए हुए थे, और जब कस्टम टीम ने पूछा उन लोगों से कि ये क्या है इसके अंदर, पहले बोलने लग गए कि ये आयुर्वेदिक दवा है। और जब उनसे पूछा गया कि आयुर्वेदिक दवा को छुपा के क्यों लेके आ रहे थे, तब उन्होंने ये चीज बताया कि ये खराब ना हो जाए इसलिए। पर ज्यादा दबदबा डालने के बाद उन लोगों ने उगल ही दिया कि ये ड्रग्स है, और उसी के साथ साथ अपने एजेंट्स का भी नाम कि उन्होंने परमिशन किसने दी है यहाँ पर आने के लिए, और तुम्हारे पास पेपर्स कैसे पूरे सही सही है, तो उन्होंने दूसरे लोगों का भी नाम लिया। और उसी के साथ साथ इसमें दिल्ली के काफी मशहूर जो कि नाम है वो एक्चुअली में इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है भाटिया। भाटिया दिल्ली से बिलोंग करता है, और भाटिया के बारे में जब नाम बाहर आया तब पता चला, पुलिस ने जब छानबीन की, कि भाटिया पहले भी काफी सारे ड्रग केस में फंस चुका है। और अभी ये छापा मारने के बाद कस्टम टीम काफी ज्यादा खुश है और उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की है, और भी जानकारी आगे आनी बाकी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।